हमारा क्वेश्चन है संख्या पद्धति से 107 गुणा का 107 प्लस 93 प्लस 93। तो हमारे देखा ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 107 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये प्लस का साइन है, प्लस 93 93, तो इसको 93 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब हमारा ये हम इसको शॉर्ट अब हम इसको तोड़ सकते हैं, हमें स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 100 प्लस 7 तो उतने आ जाएगा, तो स्क्वायर प्लस है और इसको लिख सकते 100 प्लस 7, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेम है, ठीक है, ये इतना करेंगे तो यही सेम आएगा। अब इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, अगर 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर, ए अभी ए प्लस बी के स्क्वायर फॉर्म में आ गए, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह खुल जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा गया 100 गुणा गया 7, ठीक है, प्लस अब ए स्क्वायर 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 2ab, क्योंकि माइनस में 2ab, तो 2 गुणा गया 100 गुणा गया 7। अब ये 100 का 1 2 3 4 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा और ये 200 200 और 1400 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये फिर 10000 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 200 और ये 1400, ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में ये तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में तो ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, तो हमें इसको इसको प्लस करेंगे, 10000 10 के कितना हो जाएगा 20000, ठीक है, 49 49 कितना, 9 2 18 और 4 4 8 1 9, अब इसको प्लस करेंगे तो 20098 हमारा आंसर आ जाएगा, 20098 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वेरी शॉर्ट मैथड है, थैंक यू।